हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैलजा किचन में। आज मैं एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, रवा उत्तपम। चलिए देखते हैं फिर रवा उत्तपम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी या एक कप रवा, आधा कटोरी दही, टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटे हुए, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक बाउल में हम सूजी को लेंगे, इसमें दही डालेंगे, आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे, अदरक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। तवा गर्म कर लेंगे, तवे में बैटर को डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, एक साइड से हो जाए इसे पलट देंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तैयार है हमारा उत्तपम। सारे उत्तपम को इसी तरह बना लेंगे। तैयार है हमारा उत्तपम, अब इसे सर्व कर देंगे। आप इसे टोमेटो सॉस या मूंगफली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपसे फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।